तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरी इस वीडियो का पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाकर इस वीडियो का पार्ट वन देख ले, जिससे कि आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। और इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से भी जाकर मेरी इस वीडियो का पार्ट वन देख सकते हैं। तो जिन लोगों को नहीं मालूम है, हम लोग लास्ट वीडियो में अपने जो शेल्स होती हैं उनकी एज बढ़ाने की बात कर रहे थे, तो हम लोग अपनी शेल्स की जो उम्र होती है वो कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसको जानने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक की देखें, जिसमें कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपनी शेल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है मयंक जायसवाल और आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साइंस सिटी, जहां मैं साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात रही शेल्स की उम्र को बढ़ाने की, तो हम लोग इससे पहले ये जान लेते हैं कि शेल्स जो होते हैं वो बूढ़े होकर मरते क्यों हैं। तो चलिए हम इसे एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। तो जो हमारे शरीर में छोटे छोटे शेल्स होते हैं वो एक इंजन की तरह होते हैं जो कि हमारे शरीर को चलाता है, और जो हम खाना खाते हैं वो उस इंजन में पड़ने वाला फ्यूल की तरीके होता है। तो अब मान लीजिए आपके पास दो इंजन है एक ही तरह के, उनमें से एक इंजन तो पूरी रफ्तार से चल रहा होता है और दूसरा इंजन होता है उसकी रफ्तार बहुत कम होती है। तो जो इंजन तेज़ रफ्तार पर चल रहा होता है उसके पुर्जे भी जल्दी घिसते हैं और वो जल्दी ख़राब भी होता है, लेकिन जो कम रफ्तार से इंजन चल रहा होता है उसके पुर्जे जो होते हैं वो बहुत धीरे धीरे घिसते हैं और वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता भी है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो इंजन तेज रफ्तार से चल रहा है उसकी उम्र कम होगी और जो धीमी रफ्तार से चल रहा है उसकी उम्र ज़्यादा होगी। ऐसे ही हमारे शेल्स जो होते हैं वो अगर कम रफ्तार से चलने लगे तो उनकी भी उम्र बढ़ जाएगी और हम लोग ज़्यादा लंबे टाइम तक ज़िंदा रह सकते हैं। तो अभी भी सवाल वहीं का वहीं है, आखिर ये होगा कैसे? तो माना कि जैसे जो इंजन तेज़ रफ्तार से चल रहा है वो फ्यूल भी ज़्यादा खाएगा और जो धीमी रफ्तार से इंजन चल रहा है वो कम फ्यूल खाएगा और ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगा भी। तो इसी तरह से हम लोग भी अपने शेल्स को कम फ्यूल देना शुरू कर दे तो वो भी कम रफ्तार पर चलना शुरू कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम लोग कम खाना खाने लगे तो हम लोगों की शेल्स की जो उम्र होगी वो ज़्यादा टाइम तक जीवित रह सकती है। इसी तरह के एक्सपेरिमेंट बहुत तरह के जानवरों पर भी किए जा चुके हैं, इनमें से ये दो बंदर भी शामिल हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं राइट साइड वाला बंदर बूढ़ा लग रहा है और जो लेफ्ट साइड वाला बंदर है वो यंग लग रहा है, बट इन दोनों बंदरों की उम्र एक जैसी है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, जो राइट साइड वाला बंदर है उसे लंबे समय तक ज़्यादा खाना दिया गया है और जो लेफ्ट साइड वाला बंदर है उसे कम खाना दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि आप अगर जितना कम खाना खाएंगे उतनी ही लंबी आपकी उम्र होगी। अगर आप 30% तक कम खाना शुरू कर देते हैं तो आपकी उम्र लगभग 20 साल तक बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल फैक्ट है। इसके ऊपर कई एक्सपेरिमेंट, कई रिसर्चेस भी हो चुकी हैं कि आप जितना कम से कम खाना खाते हैं उतनी ही आपकी शेल्स की लाइफ बढ़ जाती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा लंबे टाइम तक ज़िंदा रह सकते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो इसका भी असर आपको देखने को मिलता होगा। तो जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो जो उनकी शेल्स होती हैं वो जल्दी मर जाती हैं। अगर आपको अपनी एज बढ़ानी है तो आपको कभी स्ट्रेस नहीं लेना होगा, आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी होगी, आपको पौष्टिक खाना खाना होगा, जिससे कि आपकी शेल्स की जो उम्र होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबे टाइम तक की बढ़ सकती है। और ये सब बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इन सब पर मैंने बहुत रिसर्च करी है। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने कुछ लिंक्स डाले हैं, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, नीचे कॉमेंट करके बताइए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।